हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चेक किया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। दो नंबर्स हमने इनपुट करवाए थे और फाइंड आउट किया था ग्रेटर नंबर। जो भी नंबर ग्रेटर था उसको हम प्रिंट करवा रहे थे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। और आज का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज फ्रॉम दी यूज़र एंड डू दी फॉलोविंग एंड डू दी फॉलोविंग राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एज फ्रॉम द यूज़र एंड डू दी फॉलोविंग। ठीक है, हमें यूज़र से उसकी एज को इनपुट करवाना है और जैसी वो एज इनपुट करता है, मतलब जिस तरीके की वैल्यू वो एंटर करता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क हमारे पास है, इफ़ द एज इज़ एट 10 और एबो, एट 10 और एबो देन प्रिंट द मैसेज, देन प्रिंट द मैसेज यू आर, देन प्रिंट द मैसेज यू आर, या फिर यू कैन वोट। इफ द एज इज एट 10 और एबो देन प्रिंट द मैसेज यू कैन वोट। ठीक है, तो ये मैसेज हमें देना है, यू कैन वोट। और ये मैसेज हमें कब देना है? अगर यूज़र ने जो एज इनपुट की है वो एट 10 है या एट 10 से ज़्यादा है, तो हमें ये मैसेज देना है। ठीक है, दो चीज़ें होने पर आपको ये मैसेज देना है, अगर आज एज जो है एट 10 है या एट 10 से ग्रेटर है, इन दोनों ही केसेस में आपको मैसेज देना है, यू कैन वोट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अपन को टास्क दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा टास्क हमें दिया हुआ है, इफ द एज इज लेस देन एट 10 एंड लेस देन एट 10 एंड पॉजिटिव, लेस देन एट 10 एंड पॉजिटिव देन प्रिंट द मैसेज यू कैन नॉट वोट। ठीक है, अगर एज जो है लेस देन एट 10 है, 18 से कम है और पॉजिटिव में है, 18 से कम लेकिन 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो एज अगर 18 से कम है बट पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको मैसेज देना है यू कैन नॉट वोट। और तीसरा केस, तीसरा हमें टास्क दिया हुआ है, इफ द एज इज जीरो, ZERO जीरो और नेगेटिव, जीरो और नेगेटिव इफ द एज इज जीरो और नेगेटिव देन प्रिंट द मैसेज इनवैलिड एज। इफ द एज इज जीरो और नेगेटिव देन प्रिंट द मैसेज इनवैलिड एज। ठीक है, अगर किसी ने जो एज नाम का वेरिएबल आप बनाओगे उसमें अगर जीरो वैल्यू इनपुट कर दी या कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट कर दी, तो उस केस में हम मैसेज दिखाएंगे इनवैलिड एज। तो तीन हमारे पास केसेस हैं, इफ द एज इज एट 10 और एबो देन प्रिंट द मैसेज यू कैन वोट। अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो हमें मैसेज देना है यू कैन वोट। और अगर एज
लेस देन एट टेन है, इफ़ दी एज इज़ लेस देन एट टेन एंड पॉजिटिव, अगर एज जो है 18 से कम है और पॉजिटिव है तो हमें मैसेज देना है यू कैन नॉट वोट, और अगर एज 0 है या नेगेटिव है तो हमें मैसेज देना है इनवैलिड एज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इस प्रॉब्लम को, इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ चेक कर रहे हो कि जो एज यूज़र ने इनपुट की है वो एलिजिबल, मतलब वो पर्सन एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है। तो हमने दो हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, हमें यूज़र से इनपुट करवाना है उसकी एज को, तो एज को होल्ड करने के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया एज नाम का, प्रिंट एफ के थ्रू हमने मैसेज दिया एंटर योर एज, एंटर योर एज, फिर स्कैन एफ के थ्रू अपन ने एज को इनपुट करवा लिया एज नाम के वेरिएबल में, मैंने डेटा इनपुट करवा लिया और मैंने कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़ इफ़ एल्स या इफ़ एल्स इफ़ एल्स। ठीक है, तो कितने केसेस यहाँ पे हैं, टोटल हमारे पास 3 केसेस हैं, तो जब 2 से ज़्यादा केसेस होते हैं तो आप क्या यूज़ करते हो, इफ़ एल्स इफ़ एल्स का यूज़ करते हो। इफ़ के थ्रू मैंने कंडीशन दे दी, इफ़ एज, अगर एज जो है, पहली कंडीशन हमारे पास थी, अगर एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, अगर एज ग्रेटर है या इक्वल है, इन दोनों में से कोई भी अगर होता है, ग्रेटर के केस में भी और इक्वल के केस में भी, मुझे मैसेज देना है यू कैन वोट। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक केस होता है, अगर एज ग्रेटर देन जी बी है, सॉरी ग्रेटर देन 18, अगर एज ग्रेटर देन 18 है या इक्वल टू 18 है, तो दोनों ही केसेस में अपन मैसेज दे देंगे यू कैन वोट, आप वोटिंग कर सकते हैं, एलिजिबल हैं अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है। और दूसरा केस है, अगर एज लेस देन या लेस देन 18 या पॉजिटिव हो तो हमें मैसेज देना है यू कैन नॉट वोट। अब इस कंडीशन में दो केसेस आते हैं, लेस देन 18, ठीक है, लेस देन 18 और पॉजिटिव, ये एक अलग बात हो रही है, या तो लेस देन 18 है, इक्वल टू 18 तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 18 तो मैंने ऊपर ही चेक कर लिया, वो तो ऊपर चेक हो जाएगा, एल्स इफ में नहीं जाएगा, लेस देन 18 और ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव कैसे आप पता करोगे, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, आपको यहाँ पे बोला है एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लगा दी, आप मल्टीपल कंडीशन भी एक साथ लगा सकते हो, लॉजिकल और या लॉजिकल एंड का यूज़ करते हुए। मैंने कंडीशन दे दी, अगर एज की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, एंड ए एज की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन है 18 से, ठीक है, हम दोनों ही केसेस अगर सही होते हैं तो ही हमें मैसेज दिखाना है यू कैन नॉट वोट। अगर एज 18 से कम है और साथ ही साथ वो पॉजिटिव है, 18 से कम अगर हम बोलेंगे तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, -20 किसी ने डाला तो वो भी 18 से कम है, लेकिन मुझे दोनों चीज़ें जब ट्रू हों तभी अंदर जाना है, अंदर वाला जो स्टेटमेंट है एल्स इफ के अंदर वो तभी प्रिंट करवाना है जब दोनों चीज़ें सही हों, एज 18 से कम भी हो, 18 से कम तो कुछ भी होता है, -50 -100 भी 18 से कम है, बट 18 से कम और साथ साथ 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए, 18 से कम भी, दोनों ही कंडीशन ट्रू होने पे मुझे कुछ करना है तो मुझे एंड लगाना पड़ेगा। अगर मैं और लगा दूंगा इनके बीच में
तो गलत हो जाएगा। और के केस में क्या होता है, कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो आपका कंट्रोल अंदर चले जाता है। फिर आपकी एज अगर 18 से कम होगी, -20 होगी, तब भी अंदर चले जाएगा, क्योंकि -20 जीरो से बड़ा तो नहीं है लेकिन 18 से तो छोटा है। एक भी अगर ट्रू होगा तो अंदर चले जाएगा, है ना। अगर मैंने ग्रेटर देन ज़ीरो बोला तो ग्रेटर देन ज़ीरो, तो 500 भी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, लेकिन 500 स्मॉलर देन 18 नहीं होता है, तब भी आपका कंट्रोल अंदर चले जाएगा क्योंकि एक कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन मैं दोनों ही कंडीशन सही होने पे अंदर जाना चाहता हूँ, कंट्रोल को अंदर भेजना चाहता हूँ, तो मैंने एंड लगा दिया। अब ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, एज ग्रेटर देन ज़ीरो है और 18 से कम भी है, स्मॉलर देन 18 है, तो मैं मैसेज दे दूंगा यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, आप वोट नहीं कर सकते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। ये मैसेज आ जाएगा आपको इस कंडीशन के ट्रू होने पे। और लास्ट में मैंने एल्स पार्ट दे दिया। ठीक है, एल्स में तो हमें कोई कंडीशन नहीं लगानी पड़ती। एल्स पार्ट में हमें क्या मैसेज दिखाना है, इनवैलिड एज। अगर एज क्या है, जीरो है और नेगेटिव है, जीरो और नेगेटिव होगा तो हमें मैसेज आएगा इनवैलिड एज। ठीक है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये वाला पार्ट, ग्रेटर देन ज़ीरो और 18 से छोटा तो ये चलेगा, और 18 से अगर बड़ा हो जाता है या बराबर है तो ये चलेगा, लेकिन अगर जीरो से छोटा है तो एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में आप मैसेज दे दोगे इनवैलिड एज, क्योंकि जीरो तो किसी की एज नहीं होती, नेगेटिव एज नहीं होती, तो मैंने मैसेज दे दिया इनवैलिड एज। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैंने रीलोड किया अपने प्रोग्राम को, रन किया, तो सबसे पहले मैसेज आ गया एंटर योर एज। मैंने एज इनपुट करवा दी 15। ठीक है, 15 एज इनपुट करवाने से क्या मैसेज आएगा अपन चेक करते हैं। 15 मैंने एज इनपुट करवाई तो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ चेक करेगा क्या 15 बड़ा है या बराबर है 18 से। 15 ना ही बड़ा है 18 से और ना ही इक्वल है 18 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कंडीशन गलत हुई तो कंट्रोल गया एल्सिफ में। एल्सिफ में दोबारा से कंडीशन चेक होगी क्या 15 बड़ा है 0 से। हाँ, 15 0 से तो बड़ा है और 18 से छोटा भी है, दोनों कंडीशन सही हो गई। दोनों कंडीशन सही होंगी तो ये चलेगा क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड में दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। 15 जीरो से बड़ा भी है और 18 से छोटा भी है, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा यू कैन नॉट वोट। और ये मैसेज आने के बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो आपको सही मैसेज आ रहा है यू कैन नॉट वोट। अगर आपकी एज 15 है तो आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। दोबारा से मैंने प्रोग्राम को चलाया, अब मैंने एज इनपुट कर दी 20, तो आपको क्या मैसेज आना चाहिए, आपको ये पहला मैसेज आना चाहिए 20 क्योंकि बड़ा है 18 से, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 18 है, तो आपको मैसेज आएगा यू कैन नॉट वोट, कंडीशन सही हो गई। अब इफ वाला पार्ट चलता है तो एल्स इफ और एल्स नहीं चलेगा, आपको मैसेज आ जाएगा यू कैन वोट। और अगर कोई नेगेटिव या ज़ीरो एज डाल देता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। मैंने डाल दिया -19 तो मैसेज आ गया इनवैलिड एज, ऊपर की दोनों कंडीशन गलत हो गई। -19 बड़ा नहीं है 18 से और -19 जीरो से बड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट आ गया इनवैलिड एज। सो कंडीशनल स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल आज हमने किया। इसी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके लिए अपन प्रोग्राम्स बनाएंगे क्वेश्चंस के लिए। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।